Hey, what's up guys? This is Shadit Singh. Welcome to my channel Unboxer Bhai. तो आज देखिए रहे हैं मैं टीवी का रिव्यू करने वाला हूँ. एक प्रोडक्ट का टीवी है, मेड इन इंडिया टीवी है. तो बहुत मजा आता है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने में और प्रमोट करने के लिए. तो ये है कोडक का 50CA7077. तो बढ़िया टीवी है, 15 इंच का है, 4K HDR10 सपोर्टेड है, 60Hz का डिस्प्ले है. बाकी बात करते हैं आपको रिव्यू में आगे. और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दो लाल कलर का और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरी नई नई वीडियोस की. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए इंडियन टीवी का रिव्यू शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बूट टाइम के बारे में. मैंने बूट कर लिया है, पावर ऑन कर दिया. तो आप ये यूजुअली 3 से 4 बार तो करेंगे ही करेंगे. तो मैं रेकमेंड करूँगा कि फास्ट बूट इनेबल कर ले क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है. और अगर बात करूँ तो इसमें व्यू एंगल्स में थोड़ा डिफरेंट लगता है. अभी ये मेरे को वाइट लग रहा है, आपको येलो लग रहा होगा. और अगर इनबॉक्स एसेसरीज की बात करूँ तो इसमें टीवी मिलता है, आपका टेबल के लिए स्टैंड मिलता है, वॉल माउंट के लिए स्टैंड मिलता है, एक ये रिमोट मिलता है, इसकी बैटरीज मिलती है और कुछ पेपर वर्क मिलता है और एक AV केबल मिलती है 3-2-1 जो आपके पुराने आती थी DVD वगैरह में. तो यही है कुछ इनबॉक्स के बारे में. तो टीवी बूट हो गया है. जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आप इसको फास्ट बूट पे इनेबल रखिए. अभी मैंने इनेबल कर रखा है. तो अगर अभी मैं बंद करता हूँ और ऑन करता हूँ तो ये 1 सेकेंड में ऑन हो जाता है. तो काफ़ी कन्वीनियंस रहती है फास्ट बूट से करंट मारा. तो अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में. तो मैं एक 4K वीडियो आपको चला के दिखा देता हूँ. ये है तो 4K पैनल है. जैसे कि आप देख सकते हैं 4K 2160p. म्यूट कर देता हूँ मैं. तो 4K पैनल है ये. पैनल की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है. 50,000 का कॉन्ट्रास्ट है और ब्राइटनेस भी मतलब बेस्ट इन क्लास है. 550 nits की ब्राइटनेस है जो कि इससे ज़्यादा मेरे को नहीं दिखी किसी 30,000 से कम के टीवी में. और मतलब सब कुछ बेस्ट इन क्लास मिलेगा आपको डिस्प्ले में. 4K है, HDR10 है और MEMC का सपोर्ट है. 60Hz की डिस्प्ले है. और MEMC का मतलब होता है जैसे आपकी 30fps की वीडियो है तो उसको 60fps पर कन्वर्ट कर देगा अपने एल्गोरिथम्स लगा के, बीच में फ्रेम्स डाल के. तो कई बार यूजफुल होता है, कई बार ओरिजिनल वाली ज़्यादा बेटर लगती है जो इसकी MEMC टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव करके आती है उससे. बैकलिट वाला डिस्प्ले है, LED IPS पैनल है. एजलिट नहीं है, एजलिट होता है एजेस से लाइट आती है. तो आपने देखे होंगे पुराने टीवी, आपके घर में कोई पुराना LED TV पड़ा होगा उसको देख सकते हैं कि एजेस से लाइट आती है उनमें. तो ये क्या है, बैकलिट है. इसमें हर हिस्से पे मतलब हर पोर्शन पे अलग अलग लाइट है आपकी. तो ये काफ़ी बेटर है उससे. तो यही था डिस्प्ले के बारे में. तो अब बात करते हैं साउंड के बारे में. तो साउंड की बात करूँ तो आपको एक साउंड ट्रैक चला के दिखा देता हूँ. प्ले हाला मर्डर्ड ऑन यूट्यूब. तो ये गूगल असिस्टेंट भी इनेबल्ड है इसमें. रियल मैड्रिड, हियर इट इज ऑन यूट्यूब. तो काफी अच्छे से काम कर देता है. डॉल्बी प्लस DTS दोनों है इसमें. इसकी साउंड क्वालिटी 30W के बॉटम फायरिंग स्पीकर है. बेस इतना कुछ आपको दिखेगा नहीं आप अगर अपने स्पीकर्स वगैरह से कंपेयर करेंगे, पर काफ़ी ठीक ठाक है. मतलब इस प्राइस रेंज में बेस्ट है. 30W और किसी में नहीं मिलेगा. बाकी ये थी इसकी साउंड क्वालिटी. तो अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में. तो अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा अच्छी फील ही नहीं आ रही और ऐसे करने से भी आपको दिख रहा होगा डिस्कलरेशन हो रहा है ज़रा सा. और मैं उस कमरे से जैसे मैंने वॉल माउंट पे लगा रखा था और मैं यहाँ पे टेबल के लिए लेके आया तब लगा लाने में भी मेरे को इसको जरा सा भी प्रेस करते ही बहुत ऐसे फील आते कि मतलब यार खराब हो जाएगा. तो ज़्यादा कैरी मत करना और हैंडल्स
करना ढंग से केयर से। बाकी इसको ज़्यादा आप अगर यूएसबी वगैरह यूज़ करते थे कि यूएसबी केबल ले लीजिए, जो ज़्यादा बेटर रहेगी आपको पेंडल वगैरह लगाने में, वजह है कि आप बार बार इसको उठा के फिर लगाएं। और एक मैंने HDMI केबल भी ले रखी है क्योंकि मेरे को लैपटॉप कनेक्ट करना रहता है, कास्टिंग से इतनी अच्छी फील नहीं आती और HDMI से सीधा फटाफट होता है काम। तो अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों की कनेक्टिविटी बहुत सीमलेस है, वाईफाई एकदम मस्त चल रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं आती, हर एक वीडियो चल जाती है, 4K आराम से चलता है और ब्लूटूथ में भी कोई मेरे को प्रॉब्लम आई नहीं है, सीमलेस कनेक्टिविटी है, अभी ओपन करते कनेक्ट हो जाता है आराम से, तो मस्त चलता है, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बाकी अगर पोर्ट्स की बात करूँ तो 3 HDMI पोर्ट्स हैं, 2 USB पोर्ट हैं, एक ऑडियो वीडियो इन है और एक डिजिटल ऑडियो इनपुट है और एक एंटीना जो पुराने केबल आता है उसका भी इनपुट है। तो पोर्ट्स में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, सारे पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे और कनेक्टिविटी भी एकदम सिमलेस है। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें क्वाड कोर CPU लगा हुआ है, MediaTek का CA53 क्वाड कोर है और GPU लगा हुआ है माली 450। तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस में तो कोई दिक्कत लगी नहीं है, कोई लैग वैग इशू नहीं हुआ है मेरे को, बाकी एकदम स्मूथ चलता है, यही करना आता है आपको टीवी में ज़्यादातर, ऊपर नीचे दाएं बाएं और मस्त है, कोई दिक्कत नहीं आई है मेरे को परफॉर्मेंस में ऐसे। तो अब मैं बात करूँ अगर यूजेबिलिटी और इंटरफेस के बारे में, तो टिपिकल एंड्रॉयड इंटरफेस है आप देख ही पा रहे हैं, और जैसे कि कई टीवीज़ के इस रेंज के टीवीज़ में इशू है कि प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसमें दोनों सही चल रहे हैं, मैं एक चला के दिखा देता हूँ आपको। प्राइम वीडियो पे आप लेटेस्ट मूवीज़ वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, देखिए मैं चला के दिखा देता हूँ। दादा आप खुद का ड्राइविंग स्कूल खोले हैं, उद्घाटन हम आप ही के हाथ से करवाएंगे, इनवाइट दे रहे हैं। तो एकदम सही चल रहा है, मैंने स्टार्टिंग से चला दिया, 10th एपिसोड है वैसे ही, सीजन 2 10th एपिसोड, तो एकदम सही चल रहा है सब कुछ, न्यू सीरीज वगैरह आराम से एंजॉय कर पाएंगे और नेटफ्लिक्स भी सही चल रहा है, तो ऐसा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। गूगल प्ले स्टोर से भी आराम से सारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है, VLC वगैरह इंस्टॉल कर रखा है मैंने और फेसबुक वॉच इंस्टॉल कर रखा है। और अगर बात करूँ आपसे USB के थ्रू तो मैंने APKs भी आराम से इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे मैंने थोक TV इंस्टॉल कर रखा है, इससे ही मैं TV चलाता हूँ ज़्यादातर, फ्री चलता मस्त अपना, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है आप देख सकते हैं। और यही था इसके इंटरफेस वगैरह के बारे में, एकदम स्मूथ चलता है। बाकी अगर इसी सेगमेंट की बात करूँ तो एक जो थोड़ा बहुत इसके कंपेटिटर से एक फीचर कम लगा मेरे को वो है कि आप फ़ोन से कनेक्ट करके कीपैड से टाइप कर सकते हैं, फ़ोन के कीपैड से, जो कि इसमें आपको रिमोट से ही टाइप करना पड़ता है, तो वो एक डाउनसाइड मान सकते हैं आप, वो भी सिर्फ OnePlus के TV में ही मिलता है और उसकी प्राइस रेंज भी काफ़ी हाई चली जाती है अगर आप इस साइज़ की बात करेंगे तो। तो यही था इसके इंटरफेस के बारे में, बाकी एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आई है मेरे को, गूगल असिस्टेंट भी बढ़िया काम करता है और आपका रिमोट भी ब्लूटूथ इनेबल्ड है, तो आप कहीं से भी चलाएंगे तो सब चल चलेगा। तो ये था इस TV का रिव्यू, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए जो भी आपको इसके बारे में डाउट हो, या आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो और आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और फैला दो अपने दोस्तों तक, लाइक भी कर देना। तो बस ये था इस वाली वीडियो के लिए, आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस चलता हूँ, प्लीज़ हालांकि